एमसीडी को तीन भागों में बांटने के बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। अब जल्द ही सरकार एक नोटिफिकेशन जारी करेगी जिसके बाद ये बिल एक्ट बन जाएगा। इस बिल को दिल्ली सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर पास कराया था। बिल को मंजूरी मिलने के बाद अब एमसीडी नॉर्थ, साउथ और ईस्ट दिल्ली में बंट जाएगी। डीडीए और एमसीडी के 8 अफसरों पर एफआईआर दर्ज की गई है। इन अफसरों पर साउथ दिल्ली में बेशकीमती 100 बीघा जमीन हड़पने का आरोप है। डीडीए और एमसीडी के इन अफसरों पर साकेत के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के निर्देश पर केस दर्ज किया गया है। जिन लोगों पर केस दर्ज किया गया है उनमें डीडीए के लैंड कमिश्नर राजेश्वर प्रसाद और एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर विकास आनंद शामिल है। इसके अलावा एरिया सुपरिटेंडिंग इंजीनियर नवीन वर्मा, एरिया एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नवीन गर्ग और एरिया के पूर्व जूनियर इंजीनियर वीएस गुप्ता भी आरोपियों में शामिल है। इस मामले में जो 42 आरोपी हैं उनमें 8 सरकारी अधिकारी हैं। इसके अलावा आरोपियों में पूर्व विधायक शीशपाल और पार्षद राजू पेशवाल भी शामिल हैं। आरोपियों में बिल्डर, भूमाफिया, स्थानीय नेता और स्थानीय लोग भी शामिल हैं। अदालत के प्रहलादपुर थाना प्रभारी को निर्देश दिया है कि वो पूरे मामले की जांच करके अगले साल 16 जुलाई तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें। और हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता अनुराग ढांडा। इस वक्त अनुराग आपसे जानना चाहेंगे, ये जो पूरा जमीन बेचने का घोरक धंधा हुआ, ये आखिर हुआ कैसे और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं? याशिका, बिल्कुल, अगर पूरी बात समझना चाहते हैं तो हम ठीक उसी लोकेशन पर मौजूद हैं जहां ये सब घालमेल हुआ है। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि ये पूरी जमीन जहां तक आपको दिखाई दे रही है ये सरकारी जमीन है, चाहे वो एमसीडी की हो या डीडीए की। पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो डीडीए फ्लैट्स आपको नजर आएंगे, जहां पर कि डीडीए ने ये पूरी जमीन एक्वायर करके कुछ हिस्से में फ्लैट बनाए थे और उसके बाद जो खाली रह गई जमीन उस पर यहां पर कब्जा किया गया, सरकारी जमीन पर। उसके बाद धोखाधड़ी से फर्जी तरीके से उसको बेचा गया, वहां पर प्लॉट्स बना करके बेचा गया और तमाम जो यहां पर रेजिडेंशियल एरिया आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा अनधिकृत तौर पर बनाया गया, बेचा गया। इसी की खरीद फरोख्त और इसी की इलीगल गैर कानूनी इसको बेचने के लिए ये पूरा मामला है, जिस पर कि तमाम एजेंसियों में जो शिकायतकर्ता थे वो गए, तमाम जगह पर उन्होंने रिपोर्ट किया लेकिन कोई कार्रवाई किसी तरह की नहीं हुई। खुद जो शिकायतकर्ता हैं वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इनसे हम पूरी बात करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या और कैसे ये सामने आया, कैसे ये मामला सामने आया, कब से आप इस पर कोशिश कर रहे हैं? पहले तो मैं दिल्ली आज तक का धन्यवाद करना चाहूंगा कि जो आप लोगों ने समय निकालकर इस मौके पर आए। अब जो है ये जो मैं शिकायतें हैं यहाँ पर 2005 से 6 से सभी सरकारी एजेंसियों को जिनकी जमीन है, हमारे डीडीए के वाइस चेयरमैन को, डीडीए की सभी एजेंसियों को। नहीं, लेकिन आपने शिकायत की उसका किस तरीके से जवाब मिला आपको? कार्रवाई तो कोर्ट के थ्रू हो रही है, ये पहले क्या जवाब मिलता रहा है? कभी भी डीडीए की तरफ से कोई किसी तरीके का ये जवाब भी नहीं आया कि भाई इस जमीन पर जो आप जो शिकायत कर रहे हैं हो सकता है मैं ही गलत हूं, कभी इस तरीके का भी उन्होंने कभी कोई जवाब नहीं दिया डीडीए ने। और एमसीडी जो है वो अपना जो है एमसीडी जो है जिस तरीके का जो भी जितना भी अवैध यहाँ पर निर्माण हो रहा है एमसीडी भी उसमें अंदर कोई भी जो अवैध निर्माण को होने दे रही है। और डीडीए का जो रुक रहा उसमें तो आप जो है बिल्कुल नियम कानून कायदों का कोई उन्हें किसी तरह की परवाह नहीं है। हमारे डिप्टी कमिश्नर एडिशनल सीपी तक ने जो है वाइस चेयरमैन को, लैंड कमिश्नर को कई बार चिट्ठियां लिखी कि आपकी ये जमीन है या खाली पड़ी ही है, इसके ऊपर कब्जे हो रहे हैं। उनकी तरफ से मैं तो एक चलो समाज सेवक हूं, अपनी वेलफेयर एसोसिएशन का यहां का प्रेसिडेंट हूं, आम आदमी हूं, परंतु उन्होंने दिल्ली पुलिस के डीसीपी को भी, एडिशनल सीपी को भी कभी इस तरह का ये इसका जवाब नहीं रिप्लाई दिया कि ये जमीन हमारी नहीं है, या तो ये कह देते हमारी नहीं है या ये कह देते कि ये शिकायतें जो आप भी गलत कर रहे हैं। तो यानी जो शिकायतकर्ता है इनका साफ तौर पर कहना है कि पूरी कोशिश ये कर चुके थे अपनी तरफ से डीडीए में, एमसीडी में, पुलिस विभाग के पास जब ये शिकायत गई तो पुलिस विभाग की तरफ से डीसीपी ने भी लिखा डीडीए के ऑफिशियल्स को, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई, जो कि साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं मिलीभगत ऑफिशियल्स की भी थी। और आखिरकार कोर्ट के थ्रू ये निर्देश दिया गया पुलिस को एफआईआर दर्ज करने को, 40 नाम इस वक्त एफआईआर हमारे हाथ में है, इसमें कुल मिलाकर 40 नाम है, 42 नाम है इसमें कुल मिलाकर, जिनमें की आखिरी नाम अगर देखें जिनमें पुराने जो एमएलए थे यहां पर कांग्रेस के वो शामिल हैं, जो पार्षद हैं वो शामिल हैं, लेकिन आखिरी नाम यहां पर अगर देखें तो रमेश कुमार यहां पर लिखा हुआ है, जो कि अगर माने शिकायतकर्ता की तो
वो एमएलए यहाँ के जो सिटिंग एमएलए हैं वो हैं, क्या इसमें साफ नहीं हो रही है ये चीज? रमेश कुमार नाम लिखा हुआ है, क्या कोर्ट में ये चीज साफ की गई कि ये जो सिटिंग विधायक हैं वही रमेश कुमार जिनके खिलाफ भी एफआईआर में नाम दर्ज है? क्लियर क्लियर, बिल्कुल, ये रमेश भिदुड़ी जो क्षेत्र के हैं, जो विधायक हैं, वह उनका जो यहाँ पर भांजा है, भारतीय जनता पार्टी का जो पार्षद है यहाँ पर, उसका, ये दोनों अपने फंड को यहाँ पर इनलीगलाइज तरीके से इस अनऑथराइज जो कंस्ट्रक्शन के अंदर यहाँ पर अपने पैसा लगाते हैं, इसके बाद ये डेवलप होने के बाद इसके अच्छे रेट लेते हैं और इसको सेल करते हैं, और गरीब जनता को यहाँ पर धोखे के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये निर्माण करने के बाद अवैध निर्माण है, शिकायतें होती हैं, और शिकायत होने के बाद ये जो गरीब आदमी है वो इसमें मारा जाता है बेचारा। तो अगर शिकायतकर्ता की माने और एफआईआर में जो नाम है जिसको रमेश कुमार के नाम से लिखा गया है, इनका कहना है कि कोर्ट प्रोसीडिंग में बहुत क्लियर था ये कि सिटिंग एमएलए रमेश विधुड़ी हैं इस एफआईआर में। और अगर एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अगर पीछे आप ये कंस्ट्रक्शन देखें जो थोड़े बहुत यहाँ पर आपको छोटे छोटे मकान बने हुए दिखाई दे रहे हैं, सिमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है, सब एक ही तरीके से बनाए गए और देखकर ही बताया जा सकता है कि एक ही कॉन्ट्रैक्टर या एक ही व्यक्ति द्वारा बनाए गए हैं। इस तरीके से छोटे छोटे मकान बना करके बेचे जाते हैं, प्लॉटिंग की जाती है यहाँ पर, और ये पूरी की पूरी सरकारी जमीन है। तो साफ तौर पर बड़ा गोरख धंधा यहाँ पर सालों से चल रहा था, जिस पर कोई एजेंसी संज्ञान लेने को तैयार नहीं थी, शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं थे, वो अब खुलासा हुआ है, जिसमें 42 नाम, जिसमें एमसीडी डीडीए के अधिकारी और तमाम पॉलिटिशियन शामिल हैं। जी अनुराग, साथ ही एक और सवाल यहाँ पर आपसे पूछना चाहेंगे कि मोटा अंदाजा अगर लगा सके कि कितने की चपत सरकार को लगी है यहाँ पर? देखिए, करोड़ों की जमीन है ये, आप देख सकते हैं कि साउथ दिल्ली में जमीन है, दिल्ली के किसी भी इलाके में, खैर मान लीजिए कि करोड़ों की जमीन है, और जो मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ वो करीब करीब पूरा इलाका, ये अगर देखें तो 20-25 बीघा जमीन तो यहीं पर है, और लोकेशंस हैं जहां पर जमीन बताई जा रही है। 100 बीघा जमीन की कीमत अगर आप दिल्ली में आके तो 100 करीब करीब इस जिन लोकेशंस की हम बात कर रहे हैं तो ये करीब करीब 100 करोड़ के आसपास का पूरा मामला है, जो यहां पर जिस जमीन पर कब्जा करके उसकी प्लॉटिंग करके बेच दिया गया लोगों को, यानी बड़ा मुनाफा, बड़ा पैसा इन्वॉल्व है, जिसमें तमाम अधिकारी और तमाम पॉलिटिशियंस का एक पूरा का पूरा नेक्सस, जिसकी बात हम अक्सर करते हैं, वो यहाँ पर इन्वॉल्व दिख रहा है। जी साथ ही डीडी और एमसीडी के जो अधिकारियों पे उनका नाम आया है, क्या कुछ कार्रवाई अब डीडी और एमसीडी अपने अधिकारियों के खिलाफ कर सकता है? देखिए बिल्कुल, डीडीए अभी भी चुप है, इस पर कोई प्रतिक्रिया डीडीए की तरफ से नहीं है, लेकिन एमसीडी जरूर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है शाम के वक्त, जिसमें वो क्लेरिफाई करेंगे कि क्या उनका स्टैंड है, क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं। लेकिन अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो उनका रिएक्शन निश्चित तौर पर आ गया है, उनका रिएक्शन साफ तौर पर यह है कि उनको इस मामले की पूरे की कोई जानकारी नहीं है, और अगर जब उनकी जानकारी में यह मामला आएगा तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। तो निश्चित तौर पर अभी तक कोई क्लियर स्टैंड किसी एजेंसी या पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से नहीं है कि वो अपने लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे, सिर्फ एफआईआर कोर्ट के निर्देश पर फिलहाल हुई है, क्या आगे कार्रवाई होगी ये जरूर देखने वाली बात होगी। जी साथ ही अनुराग, अब चाहेंगे कि आप हमें तस्वीरें दिखाएं उस जमीन की जिस पर ये पूरा गोरख धंधा हुआ है, और आपके साथ शिकायतकर्ता भी मौजूद है, हम चाहेंगे कि वो इस मामले को अब आगे क्या चाहते हैं, किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। याचिका, बिल्कुल, हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं और साथ ही बताते रहेंगे जो याचिका करता है कि कैसे ये पूरा का पूरा मामला हुआ, ये एक्सप्लेन करेंगे। इस जमीन का अगर देखें तो कैसे डेवलप करते हैं, कैसे प्लॉटिंग होती है, पूरा नेक्सस काम कैसे करता है, क्या समझ में आया आपको? आप जैसा देख रहे होंगे इसमें पीछे जो है कुछ पत्थर पड़े हुए हैं, इस तरीके से यहाँ पर जो है पहले कहीं पर थोड़ा सा ये मलबा डालते हैं, फिर ये पत्थर डाल देते हैं। ये जमीन एक बहुत बड़ा होल था, जैसा कि आप इधर देखेंगे ये बहुत बड़ा गड्ढा था। यहाँ पर एमसीडी के पार्षद ने जो क्षेत्र का जितना भी इधर उधर से जो मलबा जहां से भी जो निकल सकता था एमसीडी के हेल्प से उसने पहले इसको फीलिंग करवाया, ये पूरा पहले फीलिंग करवाया गया। ये हमारे क्षेत्रीय पार्षद या जो हमारे एमसीडी की गाड़ियां हैं वो बता सकती हैं, या मेरे क्षेत्र की जनता बता सकती है। आपका कहना है कि यहाँ नाला था पूरा, क्या उस पूरे नाले को भरा गया पहले? ये नाला यहाँ से लेके अरावली पहाड़ से लेके पुराना नाला है और आगे तक चला जाता है, इस पूरे नाले को बिल्कुल क्लोज कर दिया गया है। आप नाला वो पेड़ के पास बिल्कुल नाला है और आगे नाला निकलता है, इस नाले तक के ऊपर इन्होंने छोड़ा है। और इस जमीन के ऊपर एसडीएम को शिकायत करने पर एसडीएम साहब ने यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर पास कर रखे हैं, उस ऑर्डर के पास करने के बावजूद यहाँ पर निर्माण हो रहा है। उन्होंने इसका जो है एसटीएफ चेयरमैन होने के नाते उन्होंने इस पूरे लैंड को डेमोलिशन करने के भी ऑर्डर कर दिया और कॉपी टू एमसीडी को भी भेज दिया। एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर उसको लेके अपने पास बैठे हुए हैं, सिर्फ एक क्षेत्रीय विधायक
क्षेत्रीय पार्षद, इनकी बदौलत ही है यहाँ पर इस तरीके का कोई भी किसी तरीके का निर्माण यहाँ पर जो एक्शन उनको लेना चाहिए था सभी एजेंसियों को, किसी ने भी कोई एजेंसी ने भी कोई भी किसी भी तरीके का एक्शन नहीं लिया इसके ऊपर। क्या अब आपको लगता है कि अब FIR हो गई है, अब किस तरीके की कार्रवाई आप लोग चाहते हैं, क्या हो सकता है इस पूरे इलाके को देखते हुए, कितनी कितने लोग हैं जो इन प्लॉट्स पर बसे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने तो जमीन खरीदी है, ये उनका क्या हो? यहाँ पर जो है माफियाओं ने यहाँ पर इस जमीन का जो रेट है वो 70,000 रुपए गज का निकाला हुआ है, और इस जमीन पर अभी तक यहाँ पर जब SDM साहब के ऑर्डर पास हो गए, लोगों के समझ में आया, तो लोगों ने यह जमीन खरीदने के लिए जो लोग कर चुके थे वो यहाँ पर कोई किसी तरीके का नहीं है। यहाँ पर बेचारे कुछ लोगों को अपना तनख्वाह बेसिस पर इन लोगों को कमरे देके रखवा रखा है, तनख्वाह दी जा रही है जो बेचारे इसके अंदर रह रहे हैं गरीब आदमी। तो आपका कहना है कि पूरी जमीन अभी भी माफिया के कब्जे में है, बहुत हिस्सा ऐसा है, और लोगों को वहाँ पर तनख्वाह देकर रखा जा रहा है ताकि कब्जा बरकरार रह सके? जी बिल्कुल बिल्कुल जी। निश्चित तौर पर बड़ा जो यहाँ पर एक तरीके से कहें लैंड स्कैम है कि बेची तो गई ही जमीन, साथ ही बहुत जमीन पर कब्जा करके वहां रिहायश दिखाने के लिए वहां पर मकान बनवाकर वहां लोगों को रखा जा रहा है बाकायदा, ताकि आगे उसे सेल किया जा सके और भी पैसा इसमें बनाया जा सके। जी अनुराग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो एक और जमीन घोटाला यहां पर सामने आया है, पूरा गोरखधंधा सामने आया है, जिसमें MCD और DDA के अपने ही अधिकारी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व यहां पर नजर आ रहे हैं, और क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले में होगी वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।